गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सुगम इस लॉकडाउन में आपने किस तरह से अपना वेट रिड्यूस किया। बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको देख रही थी, आपका वेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, आपका फेस फैट काफी बढ़ा हुआ था, ओवरऑल बॉडी से आप मोटे लग रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद, अभी बात भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन चल ही रहा है, तो इस लॉकडाउन में अपना वेट कैसे आपने रिड्यूस किया? और आप सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन है तो आपके घर के ना ही कोई हाउस हेल्पर नहीं आ रहे, यानी ना बर्तन धोने वाले, ना खाना बनाने वाले, ना ही आपके कपड़े वॉश करने वाले, तो ये सारी चीजें भी आपको खुद मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो एज यू नो कि हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता है, ना ही हम प्रॉपर तरीके से कोई ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं अगर आपके साथ बताऊं तो इस लॉकडाउन में मैं एक चीज के लिए पूरी तरह से ईमानदार रही और वो चीज मैं कंटिन्यू लेती रही, और उसी का ये नतीजा है कि मैंने 6.5 किलो वजन जो है इस लॉकडाउन में कम किया है। कैन यू इमेजिन कि मतलब लोग जो इतने सारे व्हाट्सएप स्टेटस आप देख लीजिए, लोग बोल रहे हैं पेट निकल रहा है, वेट बढ़ रहा है लॉकडाउन में खा के। तो मैं अगर बोलूँ तो मैंने खाया भी खूब है, मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई, जलेबी बनाई, ये बने, और खाया भी अच्छे से है। मुझे लगा लॉकडाउन चल रहा है, बाद में मैं इसे हटा लूंगी बिल्कुल, लेकिन मतलब मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ। लोग मुझे बोलने लगे कि सुगम तुम्हारी कमर पतली होने लगी है, सुगम काफी स्लिम दिखने लगी हो आप। और साथ ही साथ जब लोग बोलने लगे तभी मैंने अपना वेट, मतलब मैं सच बताऊं तभी मैंने अपना वेट जो है वो वेइंग मशीन पे खड़े होकर चेक किया, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 6 से 6.5 किलो वजन कम किया। फिर मैंने सोचा कि मैंने वाकई में क्या किया है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा वेट किससे जा रहा है, लेकिन जब मैंने 6.5 किलो वजन कम करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने प्रॉपर तरीके और पूरी ईमानदारी के साथ क्या काम किया है, तो एक चीज निकल के आई कि उसको मैंने ईमानदारी के साथ लिया, सुबह शाम लिया ईमानदारी से। और ये जो मैं आज आपको चीज़ बताने वाली आई हूँ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, एक मतलब मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी क्या कैसे कब लेना है और उसके इफ़ेक्ट्स कितने अच्छे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। लेकिन मैं बताऊँ अमेजिंग रिजल्ट है इसका, अमेजिंग से भी अमेजिंग रिजल्ट मैं आपको बोलूँ कि आपकी कमर बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएगी, जो मैंने फील किया है मैं अगर बोलूं। और साथ ही साथ मैं अभी इसको अपने सिस्टर को भी देने वाली हूं, और मतलब जो भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं उनको ये चीज रिकमेंड करने वाली हूं कि इस चीज को लेना स्टार्ट करें और देखिए कि वेट लॉस कितना अच्छा होगा। सो मैं आपको भी यही चीज बताने आई, सिस्टर्स के साथ भी मतलब कि बिल्कुल बोलने वाली हूं कि आप लोग भी इसे ट्राई करिए और कमर पतली करिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से मेरे न्यू चैनल सब्सक्राइब करिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द कॉफ़ी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि इस लॉकडाउन में इसने मेरा भरपूर साथ दिया है, और ये जो मैंने 6 to 7 kg वेट लॉस किया है वो सिर्फ इसी की ही बदौलत है मैं बोलूँ तो। एनालिप प्योर ग्रीन कॉफ़ी है, और मैं मुझे ये इसलिए भी पसंद है बिकॉज ये ट्रिपल ए ग्रेड बीन्स हैं, और 200 grams में आपको मिलेंगी। प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में ग्रीन कॉफ़ी के नाम पे लोग बहुत फेक चीज़ें बेच रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है और आपको बिल्कुल भी जो है फ़ायदा नहीं करेंगी। मैं आपको अभी इसका बनाने का मेथड भी दिखाऊंगी, दो मेथड बताऊंगी जो आपको सूट करे वो आपको बनाना है। और अगर मैं ग्रीन कॉफ़ी लेने की बात करूँ, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को बूस्ट करती हूँ, प्रेस करती हूँ कि वेट लॉस के लिए ग्रीन कॉफ़ी यूज़ करें, बिकॉज और स्पेशली इस ग्रीन कॉफ़ी की मैं बात करूँ जो मैंने क्लाइंट्स को भी प्रेफर किया और भी, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके वेट लॉस में और आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको पी के दुबले हो जाओगे, नहीं, जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो उसे बर्न करेगा, एक मतलब स्टैंडर्ड वेट लॉस प्रोसेस जो होता है उसे करेगा। रिच इन या एंटी ऑक्सीडेंट, देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है मार्केट में, और आपको जो भी प्रेफरेंस मिल रही है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, आपको एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें लेनी है इस समय, तो वो इसमें ऑलरेडी है। और हाँ, जिनको भी बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी इसे ले सकते हैं।
और आपके बॉडी से जो भी गंदगी इस समय बैठी हुई है उसे यानी एक नेचुरल डिटॉक्स मैं बोलूँ डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को, आपके एनर्जी को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी की इम्यून सिस्टम को पुश करेगा। यानी जो भी आप ले रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं लेकिन इससे बेटर आपको ग्रीन कॉफ़ी से बेटर ना ही कोई आपको जो मैं बोलूँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ मिलेगी और ना ही आपको इससे बेटर कोई इम्यून सिस्टम बूस्टर मिलेगा। तो मैं इसे बोलूँ तो आप इस समय मतलब ऑल इन वन चीज़ लोगे, बॉडी से फैट जाएगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ आप लोगे, चौथी चीज़ आप अपनी इम्यून पावर को भी मजबूत करेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसे इसलिए प्रेफरेंस दे रही हूँ बिकॉज ये ट्रिपल ए ग्रेड बीन्स हैं और मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ, पूरे लॉकडाउन मैंने इसे यूज़ किया है, आप फर्क देख ही रहे हैं मेरे वीडियोस में। और इस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दे दिया है, वहाँ से जाकर परचेज करते हैं बिकॉज बाद में इतने ज़्यादा और मेल्स और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैं एक एक को लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप इस वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना दिखाती हूँ और किस तरह से इसे लेना है वो भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इसकी पैकेट को लेना है और इसे कट करना है, कट बना हुआ है वहाँ से ही कट करिएगा और ये एक जिप लॉक पैकेट में अवेलेबल है, तो आपको किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिब्बे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राइंड करके इसी में इसको रख सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्रीन कॉफ़ी और ये देख लीजिए एक जिप लॉक बैग में है, कंटेनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो कंटेनर में रखिए वरना रखिए। इसके बाद आपको मिक्सी का छोटा वाला जार लेना है, बड़ा वाला जार मत लीजिएगा और छोटे वाले जार में भी बहुत महीन नहीं पिसेगा, हल्का दरदरा पिसेगा। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको बहुत महीन करने के चक्कर में मत पड़िएगा बिकॉज ये बहुत महीन नहीं होती है। आप चाहें तो आप इसी पैकेट में रख सकते हैं बिकॉज ये जिप लॉक है, या फिर आप एक कंटेनर में से इसको रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं ग्रीन कॉफ़ी को हमेशा इतनी प्रेफरेंस क्यों देती हूँ एक बार मैं आपको और बताना चाहती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। बिकॉज ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो कि नॉर्मल कॉफ़ी में नहीं होता है, यानी कि इस ग्रीन कॉफ़ी को जस्ट पेड़ से तोड़ा जाता है, सुखा दिया जाता है और हम लोगों को भेज दिया जाता है, यानी ये रोस्ट नहीं की जाती है। और जो कॉफ़ी नॉर्मल हम लोग के पास ब्राउन होके आती है वो तोड़ी जाती है, उसे रोस्ट किया जाता है, देन वो हमें मिलती है। इस ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है उसे पहले रोस्ट किया जाता है जिससे वजह से उसमें क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा होती है लेकिन कम होती है। क्लोरोजेनिक एसिड ही एक ऐसा ग्रीन कॉफ़ी का सबसे मैं बोलूँ यूएसपी है जो वेट लॉस को घटाने में मदद करता है, मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपके इम्यून पावर को बहुत ही मजबूत करता है और सबसे ज़्यादा फैट बर्नर भी इसे कहा जाता है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जो मैं बोलूं कि बहुत ही मतलब हाई रेट में आपको मिलेंगी, लेकिन एनालिव एक ऐसा ब्रांड है जो आपको बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध कराता है, 200 mg 299 का है, जबकि आप नॉर्मल देखने जाएंगे 5000 की ग्रीन कॉफ़ी आपको मार्केट में मिलती है। तो मैं बोलूं तो इसीलिए ये ऐसा काम करता है, मतलब मैं एक आपको साइंटिफिक रीज़न भी बता रही हूँ ग्रीन कॉफ़ी का क्यों यूज़ की जाती है। तो आप नॉर्मल ग्रीन कॉफ़ी नॉर्मल कॉफ़ी भी पी सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा उसमें क्लोरोजेनिक एसिड नहीं होता है जितना कि ये होता है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपको चाहिए लगभग 2 कप पानी, लगभग भर के नहीं चाहिए, 2 कप पानी चाहिए। उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 टेबल स्पून ग्रीन कॉफ़ी। लेना कैसे है वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी। देन आपको इसे बॉयल होने के लिए चढ़ा देना है और इसे बॉयल होने देना है। पहले तो आपको इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, यानी जब इसमें बबल्स आने लगे तो आपको इसे बंद करके कम से कम 2 से 4 मिनट तक पकाना है। तो मैं इसे पहले बॉयल होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारी ग्रीन कॉफ़ी है वो लगभग रेडी है, यानी कि 4 to 5 मिनट इसे हो चुका है लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है और ग्रीन कॉफ़ी रेडी है। अब चलिए मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है, आपको इसे पीना कैसे है और एक जो है आपको ये कॉफ़ी मैं फ्री भी देने वाली हूँ, तो उसके क्या टर्म्स हैं वो चलिए आगे दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रही थी कि मैं 10 लोगों को ये कॉफ़ी देने वाली हूँ, तो वो भी अभी आगे उसका प्रोसेस बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है, यानी लेने का प्रोसेस क्या है। तो इसको आपको जो लेना है वो लेना है ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद। सबकी मिथ अलग अलग है कि कोई खाने के पहले बोलता है, कोई खाने के बाद बोलता है, लेकिन जो मेरी खुद की थ्योरी है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसे खाने के 15 से 20 मिनट के बाद ले लीजिए। और मैं इस लॉकडाउन में इसके लिए पूरी तरह से मैं बोलूँ तो 100% मैंने दिया है, एक दिन का भी गैप नहीं किया है। तो विदाउट एनी गैप आपको भी इसे प्रॉपर लेना है अपने ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद। जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये कॉफ़ी देने वाली हूँ, तो उसका सीधा सा पंडा ये है कि इसने मुझे काफ़ी अच्छा मेरा वेट लॉस किया है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस किया है, और जो भी रिलेटेड है मुझसे उसका काफ़ी अच्छा वेट लॉस किया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताऊँ कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा वेट लॉस कर रहा है। इसीलिए 10 लोगों को मैं ये कॉफ़ी देने वाली हूँ, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करिए। और लिंक मैं हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि बार बार पर्टिकुलर एक इंसान को बताना लिंक, इसलिए मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। और उस लिंक पे जाइए और अपनी जो है जर्नी शेयर करिए, और कॉफी आपके घर तक पहुँच जाएगी 10 लोगों के। इस चीज के लिए मैं 100% बोलूँ तो मैंने इसके साथ 100% दिया है, एक दिन का भी गैप नहीं किया है, गैप नहीं दिया है। तो प्रोडक्ट लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, लॉकडाउन में आपको चीजें अवेलेबल हो रही है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपके घर तक मिल आएंगी। मैंने भी मंगवाया था और मेरा लॉकडाउन में ही आया था, यानी कि ऑर्डर मैंने पहले किया था लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन में ही मेरे घर आया था। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।